नमस्कार दोस्तों, दिल वाली रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मशरूम मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो सबसे पहले हम इसके लिए अपनी वेजीज चॉप कर लेते हैं। अनियन, टमाटोज, गार्लिक, जिंजर सब रफली चॉप कर लेते हैं। तो एक पैन ले लिया है, उसको गर्म होने को चढ़ा दिया है और डाल दिया है 2-3 टेबल स्पून ऑयल। मशरूम को क्लीन कर लेते हैं। उसमें मैंने सूखा आटा डाल के डस्ट किया है, उसको मलमल के साफ करेंगे, फिर धो देंगे। डाल दिया है जीरा, प्याज डाल देंगे जो कि हमने रफली चॉप किए थे। जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है, फिर हम लोग लहसुन और अदरक भी डाल देंगे और डाल देंगे टमाटर। अभी वेजीज को सॉफ्ट करने के लिए डाल देंगे नमक और फिर डाल देंगे अपने बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1/4 कप, फिर उसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने बीच में हम लोग अपने मशरूम चॉप कर लेते हैं। मशरूम को स्लाइस करने के बाद हम लोग अनियन भी स्लाइस कर लेंगे और इसको हम लोग फ्राई करेंगे। तो ले लिया है मैंने एक फ्राई पैन, उसमें ऐड कर दिया है ऑयल। सबसे पहले हम लोग अनियन के स्लाइसेस डाल देंगे। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम लोग मशरूम के स्लाइसेस भी डाल देंगे और उसको लगभग 3-4 मिनट्स हम लोग फ्राई करेंगे। डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जिससे कि कुकिंग मशरूम की कुकिंग भी साथ साथ होती जाए, वो स्पीड अप हो जाए। अब हम लोग ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो मैंने फिर से कढ़ाई ले ली है, मैंने उसमें डाल दिया ऑयल, तेजपत्ता, लौंग, छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसी समय हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और रेड चिल्ली पाउडर स्पाइस के लिए। सॉटे करेंगे, फिर अपना आरा जो पेस्ट है, जो हमने पहले जो पेस्ट बनाया था, उसको ग्राइंड करने के बाद उस पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा पानी। लगभग 2-3 मिनट बॉईल होने देंगे। फिर जो हमने मशरूम्स को फ्राई किया है, मशरूम और अनियंस के फ्राई को हम लोग इसमें डाल देंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे फ्रेश क्रीम। जिस डिश में हम लोग टमाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम लोग उस टमाटर के एसिड को बैलेंस करने के लिए शुगर डालते हैं, और शुगर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट। तैयार है हमारा मशरूम मसाला, खाने के लिए तैयार है। देख रहे हैं क्या बढ़िया कलर आया है हमारे मशरूम मसाले का, है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। ऊपर से ऐड करेंगे क्रीम और गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। Enjoy!